नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। सवाल यह है कि ऐसे कैसे कोरोना से लड़ेगा बिहार। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें आई हैं चौंकाने वाली बिहार से। ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये बिहार में फल्गु नदी किनारे फेंके जा रहे हैं मरीजों के शव बॉक्स हैं। बिहार में कोरोना वायरस के इलाज की व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में संक्रमण के जरिए फैलने वाली इस महामारी को लेकर गया में घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल गया की फल्गु नदी के किनारे कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल किए गए ग्लव्स, पीपीई किट्स और शो बॉक्स को फेंका जा रहा है। लापरवाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो गई है उनके शव बॉक्स को भी वहीं खुले में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ जा रही है। खुले में इस तरह कोरोना के मेडिकल कचरे को फेंकने की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं क्योंकि उन्हें संक्रमित होने का भय सता रहा है। बता दें आपको कि फल्गु नदी के किनारे जहां कोरोना बीमारी से जुड़ा ये मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है, वहीं शमशान घाट पर अन्य शवों का भी दाह संस्कार किया जाता है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके शव को जलाने के लिए दूसरे किनारे पर शमशान घाट बनाया गया है, लेकिन नियमों की अनदेखी की जा रही है। एम्बुलेंस कर्मी वहीं पर शव बॉक्स, ग्लव्स और पीपीई किट फेंक कर चले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बॉक्स में पैक शव को बॉक्स सहित ही अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि उस पूरे क्षेत्र में ग्लव्स, पीपीई किट्स और शव का बॉक्स फेंका पड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर नदी के किनारे फेंका गया पीपीई किट्स और ग्लव्स नदी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इससे क्या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा? हम आपको बताते हैं कि WHO और ICMR दोनों ही संस्थाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग को सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानती है। यानी टेस्ट अधिक से अधिक होगा तो पॉजिटिव लोगों के बारे में जानकारी समय पर मिलेगी और फिर उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस और आइसोलेट करने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रदेश की सरकार उसी में पिछड़ती जा रही है। बिहार में प्रति मिलियन टेस्ट की बात करें तो आंकड़ा मात्र 3,000 है, केवल 3,000। बिहार से कहीं छोटा राज्य दिल्ली है, वहां प्रति मिलियन 45,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे भी कहीं ज़्यादा है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार में टेस्टिंग के हालात कितनी खराब है। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो पॉजिटिव लोगों के बारे में पता कैसे चल पाएगा और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सब बातें नीतीश बाबू के पल्ले नहीं पड़ेंगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहे द जर्नलिस्ट। अगले दिन हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।